इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो केजरीवाल को जेल भेज देंगे। आप नेता आतिशी ने किया धमकी भरे मैसेज आने का दावा। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है, इसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। इस सबके बीच आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनके नेताओं के पास मैसेज आए हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस आएगा और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दलित सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार करने की धमकी से डरा दोगे तो बड़ी गलती कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल धमकी से डरने वाले नहीं। कल शाम से कई अलग अलग लोगों से मैसेज मिला है। इसमें कहा गया है कि शनिवार या सोमवार को अरविंद केजरीवाल को नोटिस आएगा और दो दिन बाद गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल को बचाना है तो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं। बता दें कि दिल्ली में शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने सातवां समन जारी किया है। जांच एजेंसी ने दिल्ली सीएम से 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गैर कानूनी नोटिस भेजा गया है। आपने बार बार ये सवाल उठाया है कि किस आधार पर ये समन भेजा गया है, जब ईडी खुद इस मामले को लेकर कोर्ट गई है तो इंतजार क्यों नहीं कर सकती। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को डराना चाहती है। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया है उसी का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती, दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का इंतजार करती। आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। बता दें कि इससे पहले सीएम केजरीवाल को 6 समन जारी होने के बाद भी वह अब तक पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में पेश नहीं हुए हैं। इन समन को छोड़ना केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि लगातार समन को छोड़ना ईडी की धारा 19 के तहत असहयोग के लिए अभियोग की जमीन मजबूत कर रहा है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।